हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में आज दूसरे दौर का मतदान हुआ और तीसरे दौर के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने छोड़ दिया जय श्री राम वाला तीर और मोदी के निशाने पर थे डबल युवराज। मंच पर मोदी की एंट्री और दिखने लगा मोदी का मैजिक। जनता की गूंज को स्वीकार करने का ये मोदी का अंदाज है। मंच पर मोदी हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं और भारत माता के नारे लग रहे हैं। बिहार में सहरसा की रैली के मंच पर मोदी का ये अंदाज बता रहा है कि बिहार के चुनाव में हवा किस ओर बह रही है। मिथिलांचल के सहरसा और सीमांचल के फारबिसगंज में मोदी की आखिरी रैली हुई। भारत माता के नारों के बीच पीएम मोदी ने विपक्ष पर अटैक करना शुरू किया तो पहला तीर जय श्री राम और भारत माता के नाम का ही निकला। बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथी, उनके करीबी चाहते क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत माँ की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। भारत माता बोलने पर बुखार आने वाले विपक्ष का पारा मोदी ने और बढ़ाया जब उन्होंने किया लालू के राज वाला जंगल राज का वार। जंगल राज के उस दौर में मतदान के दिन गरीबों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। ऐसे लोग बिहार को फिर पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। बिहार के लोग अब उनके न बहकावे में आने वाले हैं न उसके सामने थर थर कांपने वाले हैं। मोदी बोलते हैं, जनता उनका अनुसरण करती है और रैलियों की भीड़ विपक्ष को परेशान करती है। चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन जादू तो मोदी का ही दिख रहा है। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दुगो भुजाना चबैनी, यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है, यही इनकी सोच है। बिहार में आज दूसरे दौर की वोटिंग हुई। 7 नवंबर को तीसरे दौर की वोटिंग बाकी है। 10 नवंबर को आप एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे देखिएगा, क्योंकि एबीपी न्यूज सबसे पहले बताता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री।